सरदारनगर के नवीन तैनात जिलाधिकारी दीपक मीणा द्वारा जनपद के सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। जिलाधिकारी ने पत्रकारों को सच्चाई छापने का खुला आदेश दिया और कार्रवाई करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर मेरी कमियां निकल रही हैं तो उसे छापने का पुरानी अधिकार है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सच्चाई होनी आवश्यक है। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि किसी भी विभाग को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होनी निश्चित है, बस मामले में मेरे संज्ञान में आने की देरी है। वही प्रेस क्लब भवन पर जिलाधिकारी ने अपनी सहमति देते हुए दस्तावेज की जानकारी प्रेस क्लब अध्यक्ष से लिया और भवन प्रेस क्लब का हो सहयोग करने को कहा। वहीं पत्रकारों से रूबरू होते हुए जिला चिकित्सालय के कमियों को जाना और जनपद के सभी सामुदायिक एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य सुविधाओं को उपलब्ध एवं कमियों को ठीक कराने का आश्वासन दिया और यह भी बताया कि चिकित्सालयों में सभी दवाइयां उपलब्ध हैं जो निःशुल्क हैं। अगर कोई एक दो दवाई नहीं है तो डॉक्टर बाहर की दवा लिख सकता है, लेकिन यह स्पष्ट करते हुए कि यह दवा चिकित्सालय में उपलब्ध ना हो तभी डॉक्टर लिख सकता है। इतना ही नहीं, भूमाफियों पर शिकंजा कसने का आश्वासन देते हुए कड़ी कार्रवाई करने की बात भी कही उन्होंने। कई बार उन्होंने भी आंकड़े गलत छापे हैं, उनके किसी रिपोर्टर्स को समझ में नहीं आया कि ये क्या था, डेटा उठाया वो छाप दिया, वो कुछ और ही डेटा था। तो कई बार मैंने पत्र लिख के भी अनुरोध किया है उन लोगों को कि साहब आपने जो आंकड़े लिखे हैं वो गलत है और इसको वापस से पेपर में पब्लिश कर दे कि सही नहीं है। ये देखिए, जैसा आप लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जो द्वारा भी पूरा मतलब पूरे भारत में वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के लिए काफ़ी मोटिवेट किया गया और 22 तारीख से जैसा आपको पता है कि यहाँ भी जाके माननीय मंत्री जी ने भी और विधायकगण ने भी उसमें श्रमदान किया है। तो आपकी बात है, सही है, कई जगह पर ये भी हो सकते हैं कि तालाबों पर कब्जे हैं और कई जगह पर जो वाटर कंजर्वेशन का जो काम करना है वो सही तरीके से नहीं हो पाया है। तो इसीलिए मेनली ये जो प्रॉब्लम्स थी इसी को मद्देनज़र देखते हुए ये 22 तारीख से किया गया है और हमने कई तालाब और कई जगह चिन्हांकित की गई है और इस चीज़ को भी हम लिस्ट आउट कर रहे हैं क्योंकि पहले भी कई जगह से रिपोर्ट्स दी गई थी जो उनका फिजिकल सत्यापन नहीं हो पाया है। तो हम जितने भी तालाब हैं कोशिश कर रहे हैं कि एक महीने के अंदर अंदर उन तालाबों के फिजिकल वेरिफिकेशन करवा लें और उनको अतिक्रमण मुक्त करवा लें, जो भी अगर अतिक्रमण कर रखे हैं, और बाद में इस बारिश से अगर पहले खुद पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इस रेनी सीजन के बाद उनको खुदवा के और उनमें वाटर कंजर्वेशन के कार्यक्रम करवाएं।